Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back in my channel, Desi Tech News. अगर आप अपने जो मोबाइल का कीबोर्ड है वो एक टिपिकल कीबोर्ड यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं एक ट्रू कीबोर्ड इस्तेमाल करना, यू आर एट द राइट प्लेस। आज आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने जो स्मार्टफोन का कीबोर्ड है वो कितना आसम कर सकते हैं, और एवरीबॉडी आस्क फ्रॉम यू कि ये कीबोर्ड आपको कहां से मिला है। आपको इतना उसका कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा कि आप जैसे चाहेंगे आप अपने कीबोर्ड को बना सकते हैं। और आज उसके 5 प्रो फीचर्स, जी हाँ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप 5 फीचर्स ऑफ दैट कीबोर्ड। आप वो टिपिकल जो ओल्ड कीबोर्ड यूज कर रहे हैं उसे अब बाय बाय कहते हैं और एक नया जो कमाल का कीबोर्ड है उसे इस्तेमाल करें और लोगों को इंस्पायर करें। तो आज इस वीडियो की मदद से आपको बताऊंगा उसके टॉप 5 फीचर्स और बताऊंगा हाउ टू चेंज योर कीबोर्ड इन अदर इंटरेस्टिंग एंड ऑसम कीबोर्ड। आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ कीबोर्ड इन माय लाइफ। सो आज वो कीबोर्ड आपको लोगों के लिए ले आया। इसके लिए आप करें क्या, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि विदाउट लेट मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी डियर्स, हम फीचर जो स्टार्ट करते हैं वो 5th से करते हैं। तो 5th फीचर वो भी बहुत कमाल का फीचर है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप अपने कीबोर्ड पे सर्च आउट कर रहे हैं तो उसकी जो हिस्ट्री है वो कहीं पर ना जाए, कोई भी ना देख पाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इनकॉग्निटो मोड का, इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आप सर्च आउट करेंगे या जो भी ब्राउजिंग करेंगे तो नेवर बडी सीन आफ्टर योर सर्चिंग, तो कोई भी नहीं देख पाएगा जब आप इसको सर्च आउट जो भी कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ इनकॉग्निटो मोड में होगा। तो आप डेफिनेटली यू आर सेफ फ्रॉम दिस ऑसम फीचर। 4th की तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप ड्राइव पे हैं तो आप चाहते हैं कि आप पूरा जो मोबाइल है वो होल्ड डाउन नहीं कर सकते और उनको नहीं पकड़ सकते, और आप चाहते हैं कि आपका जो कीबोर्ड है वो आपके एक हाथ से या यानी एक थंब से ही ऑपरेट हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए आप अपने कीबोर्ड को कस्टमाइज करना है। तो आप इसके लिए 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, मॉड्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मॉड्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप ये सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं 1 हैंडेड का, इसको पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक तरफ हो गया है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप बहुत अच्छे से, आपको नई ज़रूरत पड़ेगी कि आप दूसरा हैंड भी इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे आप अपने एक थंब या फिंगर के साथ ही चैट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो अगर 3rd फीचर की बात करें तो ये भी बहुत ही ऑसम फीचर है। अगर आप स्विच ऑन करना चाहते हैं, स्विच ऑफ करना चाहते हैं 1 लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, तो आप 1 टैप से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप उर्दू लैंग्वेज और ये इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप कितनी आसानी के साथ जो लैंग्वेज है वो स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये कैसे कर सकते हैं, आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आप सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लैंग्वेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट जो लैंग्वेज है वो शो हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जौन सी लैंग्वेज से आपका ताल्लुक है, आप इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो तो सारे इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस जो कीबोर्ड है इसकी मदद से आप अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको भी अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी लैंग्वेज है वो भी आप अपने मोबाइल में अपने कीबोर्ड में इस्तेमाल कर सकें, तो जस्ट आप लोगों ने उस एप्लीकेशन पे क्लिक, उस जो आपकी रीजनल लैंग्वेज उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसको इंस्टॉल करके यहाँ से आप लोगों ने इसे अप्लाई कर देना है। तो यहाँ से आप बहुत आसानी के साथ अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसे उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। व्यूवर्स, सेकेंड वन इज मोस्ट माई फेवरेट वन। ये बहुत ही कमाल का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया इस कीबोर्ड की मदद से। तो इसके लिए आप लोगों ने कहना क्या, ये है आपका सेट वॉलपेपर, यानी जैसे ही आप अपने जो कोई फ़ोटो या कोई वॉलपेपर जो आप अपनी विश के हिसाब से आप चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो फ़ोटो है या आपकी जो पिक्चर जो सेल्फी है वो आपके कीबोर्ड पे शो हो जब आप चैट करें, तो आप 3 डॉट्स पे सिंपली क्लिक करें। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे 3rd ऑप्शन देख सकते हैं थीम्स का, इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है स्टार्ट का, इसको ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड इमेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट, यहाँ पे आप अपनी वो फ़ोटो करनी है जो आप चाहते हैं कि आपके बैकग्राउंड, आपके जो कीबोर्ड का बैकग्राउंड है वहाँ पे शो हो। तो मैं ये एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे आप इसे बैकग्राउंड डार्कनेस को आप हाई या लो कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि कितना आपका जो आपका फ़ोटो है वो नज़र आना चाहिए और कितना जो है वो कम नज़र आना चाहिए, यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं इतना मैंने डन कर दिया। ये डन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी कमाल की लुक निकल कर आ रही है। तो यहाँ पे जो की बॉर्डर्स हैं अगर वो भी आप ख़त्म कर दें तो इट्स लुक्स नाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ऑसम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सैम्पल भी आप शो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट सैम्पल्स जो होते हैं वो भी शो हो साथ। तो आप नहीं चाहते तो यहाँ पे आप इसे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नाउ यू कैन सी योर कीबोर्ड लुकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी कमाल का लुक लग रही है, और आप देख सकते हैं कि कितने कमाल की कस्टमाइजेशन आप इस कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं। जी जनाब, लास्ट वन जो फर्स्ट फीचर है वो बहुत ही कमाल का फीचर है। अगर आप अपनी जो चैट है उसे फास्ट करना चाहते हैं कि आपको कीज़ के ऊपर फोकस ना करना पड़े कि आपको वो कीज़ कौन कहाँ पे और कहाँ पे नहीं, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने मोड्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं जो लास्ट ऑप्शन है थंब का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके बिल्कुल नीचे ही आपके पास यहाँ पर निकल कर आ रही हैं थंब कीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके थंब के बिल्कुल नीचे कीज़ हैं, और आपको चैट जो है ये आपकी चैट फास्ट बनाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी डिफरेंट कीज़ को जो फाइंड आउट करने में। आप बिल्कुल आपके थंब के नीचे हैं और आप उन्हें बहुत आसानी के साथ प्रेस करके अपनी चैट को फास्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें यार, कहाँ जा रहे हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने प्ले स्टोर में स्विफ्ट कीबोर्ड टाइप करना है और आपके पास ये कीबोर्ड खुलकर आ जाए। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि विदाउट लेट मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा कि आपका इन फीचर में से आप लोगों का फेवरेट फीचर कौन सा रहा। तो मिलेगा एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, बे ईमान अल्लाह।